जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग जानेंगे कि ब्रह्मचारिणी जी का नाम ब्रह्मचारिणी क्यों पड़ा, उनकी कथा क्या है और उन्हें क्या प्रिय है, आज क्या करें कि माँ ब्रह्मचारिणी जी प्रसन्न होंगी। कहा जाता है कि जब माँ पार्वती जी महादेव जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या कर रही थी, उस समय वो सिर्फ फल फूल पत्ते खा के ही तपस्या करती थी और महादेव जी की आराधना करती थी, परंतु महादेव जी प्रसन्न नहीं हुए। उसके बाद उन्होंने फल फूल पत्ते भी खाना छोड़ दिया और निर्जला महादेव जी की आराधना करने लगी। इतनी कठोर तपस्या देख के ऋषि मुनि प्रसन्न हुए और उनको वर दिया कि आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी, इसलिए उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। अब जानते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कैसे करना है। माँ ब्रह्मचारिणी जी को सफ़ेद कमल का फूल चढ़ाया जाता है और गुड़हर का फूल उन्हें बहुत पसंद है तो वो भी उन्हें चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि अगर आप गुड़हर का फूल या फिर कमल का सफ़ेद पुष्प हाथ में लेके अपनी मनोकामना करते हुए माँ ब्रह्मचारिणी को चढ़ाते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। और आज के दिन सफ़ेद रंग का वस्त्र पहना जाता है क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी जी को सफ़ेद रंग बहुत प्रिय है। साथ ही साथ आज के दिन दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ माँ ब्रह्मचारिणी जी को चढ़ाया जाता है, इससे माँ ब्रह्मचारिणी प्रसन्न होती हैं और आपकी हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।